तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, और उनकी सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना गलत होता है। वो जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं उनकी अच्छाइयां या उनके स्पेशल करेक्टर को अडॉप्ट कर लेते हैं। जिस भी एग्जाम में वो हाथ डालते हैं वो एग्जाम क्रैक करते हैं। आरपीएससी का जो कोले लेक्चरशिप का इंटरव्यू हुआ था उसके बाद कल आरपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा, खुशी होगी कि कंचन गुप्ता ने पहली रैंक अचीव की है। और आज जो हम कंचन गुप्ता से ही मिलने जा रहे हैं, और तकरीबन 170 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, सुबह के 8 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, और वहाँ जाके जानेंगे कि उनके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस हिसाब से उन्होंने तैयारी की कि वो बड़े मार्जिन के साथ या बड़े अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया। तो स्टार्ट करें अपनी गाड़ी को, चले। तो भैया निकल गए हैं यहाँ जयपुर से, और तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में, और वहाँ जाके बात करेंगे, एक स्टॉपेज करेंगे बीच में, वहाँ का भी आपको व्यू दिखाऊंगा पूरा का पूरा। ये दोस्तों हम अभी हाईवे के ऊपर चढ़ गए हैं, और ये हाईवे जो है दिल्ली नेशनल हाईवे है। कौन सा वाला है? नेशनल हाईवे 11-8। ये पता नहीं, अभी देख लेंगे यार क्या है। पर ये 14 नंबर से चढ़ता है, जयपुर 8 नंबर है, और ये नेशनल हाईवे 8 नंबर है। मजा आएगा आज, बहुत लंबी टूर के ऊपर जा रहे हैं। मेरे साथ है मेरे दोस्त सतेंद्र सिंह चौहान, और यहाँ से हम डायरेक्ट चलेंगे पहले कोटपुतली, और कोटपुतली से फिर खेड़ताल के लिए अपन टर्न लेंगे। हाईवे नंबर 8 का ये पहला टोल आ गया है, मनोरपुर वाला है कि ये दौलतपुर है? दौलतपुर NH8। तो ये NH8 है भाई, इससे निकल रहे हैं हम NH8 से। क्या चार्जेज लेंगे क्या नहीं लेंगे देखते हैं। ये भैया कोटपुतली हम पहुंच गए हैं, और ये कोटपुतली से हम मुड़ गए हैं इधर तिजारा रोड पे। तिजारा रोड है ये। अरे वाह भाई ट्रैक्टर, मजा आ गया। तो ये कोटपुतली से निकल गए हम तिजा रोड पर, और यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर है खेड़ताल, तो अभी घंटा भर रोड लगने वाला है। यारो ऐसा आ गया, ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में आ गए हो। नहीं कश्मीर तो नहीं है, कश्मीर में तो बर्फीली वादियाँ होती हैं। ये देखो घूम के रास्ता, ये नीचे से ये जा रहा, गजब ही है माहौल यहाँ का, मजा आ गया। ये हम खेड़ताल पहुँच गए हैं, और मुश्किल से 5-7 मिनट का रास्ता हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता 2000 परीक्षा के एग्जाम में पहली रैंक प्राप्त जिन्होंने की है, उनका नाम है कंचन गुप्ता। नमस्कार कंचन जी। नमस्ते सर, क्या हाल है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, तो मेरे को ये बताओ कि भाई रिजल्ट आने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। पहली रैंक, ये तो सोचा नहीं था पहली रैंक आएगी, बस यही सोच रही थी कि हाँ कट ऑफ क्लियर हो जाए। आपने नहीं सोचा था? मैंने तो सोचा था पहली रैंक के लिए। हाँ सर, एक टीचर को तो विश्वास होता है अपने स्टूडेंट पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपन बात करें इंटरव्यू के ऊपर, अपन बाद में आएंगे कि इंटरव्यू के कैसे क्या एक्सपीरियंस है, पहले शुरू से बात करते हैं। तो आपने जो स्कूलिंग है वो कहाँ से की है आपने? स्कूलिंग मैंने 10th की थी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरसर से। कितनी परसेंटेज रही थी आपकी? 82.82%। वेरी गुड। और फिर उसके बाद 12th की मैंने सेठ गोपाल दास मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, उसमें परसेंटेज रही थी 92। ये 10% का जंप, बस अब जब हो गया हो गया। बढ़िया। ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये मैथ भी आपके? हाँ मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इनके, ठीक है? नहीं है
और फिर कॉलेज कॉलेज बीएससी मैंने की गवर्नमेंट जीडी गर्ल्स कॉलेज फॉर वुमेन अलवर से। अच्छा वो गर्ल्स कॉलेज ही है वो केवल, गवर्नमेंट हाँ कॉलेज है वो। हाँ उसमें क्या परसेंटेज रही है आपकी? उसमें एग्रीगेट 88 88% इनकी एग्रीगेट रही है। और उसके बाद एमएससी एंट्रेंस की तैयारी मेरे पास ही की थी आपने, वो तो अपन बताने की जरूरत नहीं है भाई क्या है। तो छोटी सी बात, एमएससी एंट्रेंस में ये और एक और थी हर्षिता, वो भी यहीं आसपास की है। तो ये दोनों आते थे, बोले सर हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं कंचन तेरा सिलेक्शन होगा टेंशन मत ले, और तू रैंक लाएगी, रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में जो एंट्रेंस पेपर होता है उसमें इसकी पहली रैंक थी। जैसे अभी आरपीएससी बोले इलेक्ट्रिसिटी में पहली रैंक है, उस टाइम पे भी इसकी पहली रैंक थी। तो एमएससी आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है, यस सर। ठीक है। 4 सेमेस्टर होते थे आपके, हाँ सर, 4 सेमेस्टर हैं, इन सेमेस्टर में आपको सीजीपीए दिया गया था शायद किस यस हिसाब सर। से, तो हाँ कितना रहा आपका सीजीपीए? सीजीपीए 5.68 आउट ऑफ 6 5.68 कितनी परसेंटेज होती है लगभग ये? इक्विवेलेंट टू 84 84 इक्विवेलेंट। तो एमएससी में इनकी 84% रही है। और एमएससी में स्पेशलाइजेशन भी लेने के लिए दिया जाता है वहाँ पे, हाँ सर, कौन सा था स्पेशलाइजेशन? फिजिकल। फिजिकल, तो भाई मैथ बैकग्राउंड से तो फिजिकल ओबियसली होना ही है स्पेशलाइजेशन। तो अब बात करेंगे हम इंटरव्यू की, बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे भाई इन्होंने कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कैसे की, ठीक है? नहीं है तो मैं केमिस्ट्री के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं केवल जीके के बारे में पूरे रास्ते यही सोचते आया था भाई जीके कहाँ से तैयार किया होगा। तो आपने जीके की जो है वो कहाँ से ली थी, कहाँ से तैयारी की, किस हिसाब से की? सर ये तो था कि हमें एग्जाम्स देने आगे कंपटीशन, तो फिर एमएससी करने के बाद हमने एंटर इसकी कोचिंग ली थी जीके की, जग्गू का कोचिंग इंस्टीट्यूट जयपुर से। तो उन्होंने जो मैटर करवाया था वो एक रजिस्टर है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में कराते थे वो सर, तो बस वो ही करके गई थी मैंने। सवाई जी हैं? हाँ सवाई सर। सवाई सर, तो उसके अलावा कोई बुक वगैरह करंट के लिए क्या पढ़ा आपने? करंट के लिए नाना क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक हाँ। है, बात सही है। तो बहुत ही अच्छा, एक चीज और बता दो भाई, कितनी देर आप पढ़ाई किया करते थे, यहीं रह के पढ़ाई किए या आपने डिपार्टमेंट थे तब नहीं सर, यही रहे यहीं रह के कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? कितनी देर तो पता नहीं पता नहीं, सर, कैलकुलेशन ये सिलेक्शन हो बस जाता है ना, फिर ये पता नहीं लगता कितनी देर हमने पढ़ाई की है, जितना टाइम मिलता था उस अकॉर्डिंग कर पूरा लेते टाइम यूटिलाइज कर लेते थे कुल मिला के, बात ये। हाँ उसमें कुछ घर के काम वगैरह थोड़े बहुत जो भी है साथ में अपनी पढ़ाई। तो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू कितनी तारीख का था आपका? 30 मई को। 30 मई को इंटरव्यू था, और कब गए थे वहां पे? एक दिन पहले। एक दिन पहले यानी 29 मई को ही आप निकल गए। तो मॉर्निंग आवर्स में था या इवनिंग आवर्स में था? मॉर्निंग आवर्स में था। मॉर्निंग आवर्स में, तो मॉर्निंग आवर्स में था, और कितने नंबर पे था? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे। पहले तो मेरे को यूँ लगता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए होंगे, बाहर हाँ नीचे नीचे लो, फिर उसके बाद ऊपर ले जाया गया होगा। हाँ लाइब्रेरी में बैठे। कौन सा बोर्ड था, बोर्ड नंबर कौन सा था? फर्स्ट। फर्स्ट था, पहले नंबर का बोर्ड था। तो वहां पे एंटर हुए तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? नॉर्मली स्कूलिंग कहाँ से की, 10th 12th बीएससी एमएससी नेट कब क्वालिफाई किया, फिर कॉलेज में कब से पढ़ा रहे हो, फिर उसके बाद आरपीएससी मेंबर ने जनरल पूछा कि अलवर से हो तो बैराट के बारे में बताओ, फिर उसके बाद उन्होंने पास कर दिया एक्सपर्ट को, फिर एक्सपर्ट ने नॉर्मली पूछा कि आप कौन से ईयर्स को पढ़ाते हो बीएससी में, उनका बीएससी के तीनों ईयर्स को, फिर बोला कौन कौन से पेपर पढ़ाते हो, उनका तीनों पेपर, फिर अच्छा क्या लगता है आपको फिजिकल, तो फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पुट अप किया बफर क्या होता है, फिर बफर नॉर्मली जो था बता दिया मैंने, उसके बाद उन्होंने पूछा कि एक एग्जांपल दिया था, वो बोला था कि बफर की तरह एक्ट करेगा नहीं करेगा, फिर उनका नहीं करेगा तो तुम बताओ कौन सा एग्जांपल लेंगे, तो फिर उस आगे पूछा उन्होंने फिर ये बफर की तरह काम कैसे करेगा, बफर रेजिस्ट कैसे करता है पीएच चेंज को, तो फिर मैंने ही पूछ लिया था इसे बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूं क्या, बोर्ड पे भेजा गया था मतलब आपको, मैंने आगे से ही पूछा था कि इसे बोर्ड पर बोर्ड पे एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर कर दूं देंगे, क्या। सही है, तो उस टाइम मैं डेट वगैरह कुछ नहीं डाला था, मैं भूल कोई गई थी दिक्कत वाली डालना, बात नहीं, वो कोई इश्यू भी नहीं है।
तो फिर मैंने सीधे जाके एग्जाम्पल पे शुरू हो गई, जो भी होता है फिर वो बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन था उनका कि अगर HCl और NH4OH को टाइट्रेट करें तो क्या इंडिकेटर कौन सा यूज़ करेंगे, फिर मैथिल ऑरेंज करेंगे तो इसी को क्यों करेंगे। फिर अगला था इनका क्वेश्चन कि किस पीएच रेंज में ये कलर चेंज शो करता है, तो अप्रॉक्स 3-4। फिर उन्होंने पूछा था और क्या टॉपिक पढ़ाते हो, तो इनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम वगैरह। तो फिर पूछा था सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ, एंट्रोपी को डिफाइन करो। फिर अब उन्होंने अगले एक्सपर्ट को पास कर दिया उसके बाद। फिर उन्होंने पूछा था कि तुमने पीएच टर्म यूज़ किया तो पीएच वाटर की पीएच 7 ही क्यों होती है। फिर उसके बाद हाइड्रो, बस उसके बाद बोर्ड पे इतना ही पूछा था। फिर उन्होंने कहा कि बैठ जाओ रफ करके। फिर उन्होंने हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पूछा कि सुना है नाम, मैंने कहा हाँ सुना है, तो बोला कि NaCl का हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा क्यों नहीं होगा बस। फिर उन्होंने आगे फिर RKC नंबर को पास कर दिया बस। फिर उन्होंने पॉल्यूशन के टाइप पूछे कौन कौन से होते हैं, उस टाइम मुझे 4-5 ही याद है। और सोचो तो मैं वो भी इतना ही रिकॉल हो रहा है, मैराइन पॉल्यूशन का नाम सुना है, मैंने कहा नहीं सुना, कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा था सर। तो फिर स्पेस पॉल्यूशन का हाँ ये सुना है क्या होता है, फिर इससे क्या खतरे होते हैं, और इसके अलावा जोधपुर के बारे में पूछ रहे थे कि जोधपुर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलेगा क्या जो अभी सिर्फ जयपुर में ही है, उनका हाँ मेट्रो। उन्होंने इंटरव्यू दे दी थी, खैर मेट्रो तो आ गया था मुझे माइंड में, सिर्फ जयपुर में मेट्रो ही है और कहीं नहीं है, क्योंकि पटरियों पर दौड़ती है वो, आगे उन्होंने ये भी बोले उनका मेट्रो हेल्प कर दी थी मतलब कुल मिला की बात ये। उसके बाद जौनपुर में भिवाड़ी के बारे में पूछा था, भिवाड़ी किस लिए फेमस है, तो उस टाइम मुझे ज़्यादा तो नहीं याद आया, बस ये यहाँ की इंडस्ट्रियल हब है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है वहाँ पे, और एक नोटों की शाही बनाने का कारखाना है, ये याद आया उस टाइम और नहीं याद आया। फिर उन्होंने जोधपुर में और कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हैं, फिर उन्होंने हिंट दी थी मुझे याद नहीं आ रहे थे, 3-4 बताए बस मैंने। फिर बोल रहे थे कि साइंस से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो खुद ही हेल्प कर रहे थे, PCM वाले बच्चे कौन सा एग्जाम देते हैं, IIT जोधपुर है, सिंपल PCB कौन बच्चे कौन सा, एम्स जोधपुर है, CLAT का एग्जाम देते हैं बच्चे, कहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में है बस। फिर ये लास्ट क्वेश्चन था उनका, इससे पहले उन्होंने न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन के बारे में भी पूछा था। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था यूरेनियम का, तो उन्होंने पूछा कि इसको किस में रखते हैं, वो मुझे नहीं पता था, ओपनली तो नहीं रखेंगे, बस यही क्वेश्चन थे उनके। कुल मिला के बाद ये है कि भाई क्यू स्नो का जो, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि RPSC के मेंबर्स को अगर क्वेश्चनों के जवाब मिलते जाते हैं तो नेक्स्ट से नेक्स्ट रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो टोटल जो टाइमिंग था इंटरव्यू का वो कितना रहा? लगभग 15 मिनट, 15 से 20 मिनट मान सकते हैं बीच का। ठीक है, ये बढ़िया बात है। तो ये तो बात हो गई इंटरव्यू की, अब अपन ये पूछेंगे आपका नेक्स्ट गोल क्या है, क्या है आपका एम? राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। भाई इन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है और अपनी मानस बना लिया है और ये तैयारी में लग गए हैं, आपको बता दूं तैयारी में लग गए हैं ये, और इनका एक ही टारगेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर ज्वाइन करना। ठीक है, तो ये जो आपका घर में क्या माहौल कैसा रहता है, सपोर्ट करते हैं घर वाले? हाँ सर बिल्कुल, पूरा सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा मेरी सिस्टर करती है, तो सिस्टर को आप भी करोगे आप आगे? बिल्कुल सर। चलो भाई, तो अब मैं एक चीज और क्लियर करूंगा कि भाई ये आप जो अपने, देखो पहली रैंक आई है बहुत बढ़िया बात, मेहनत की है पहली रैंक आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए या जिनका वेटिंग में नंबर इंतजार कर रहा है, ठीक है नहीं है, उनसे एक ही बात कहूँगा, निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करती रहनी है। ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहूंगी कि अभी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है 1000 पोस्ट के लिए, उसमें केमिस्ट्री की भी पोस्ट 50 बने शायद, तो आप तैयारी मतलब जो तैयारी अब तक की है वो बेकार तो जाएगी नहीं, उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करो और अपनी मेहनत में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाओ बस, तो मंजिल हमेशा कभी ना कभी तो जरूर मिलेगी। बस लगे रहना है हमें, छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है बस।
छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, जिद जुनून जोश कायम रहना चाहिए, मेहनत करते रहो उसके साथ। ठीक है भाई, तो बात करवा दी है आपकी, इसके साथ इजाजत लेते हैं, नमस्कार। तो हम निकल चुके हैं कंचन के घर से और वापिस जयपुर जा रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने खाना वाना खिलाया है बढ़िया, मतलब अतिथि सत्कार बहुत ही गजब था वहाँ का। और खाने में देखो चपाती थी, आलू मटर की सब्जी थी और दाल थी, रायता था, स्पेशल चटनी वो पूछ गया हूँ उसकी रेसिपी में, चटनी की रेसिपी मैंने पूछी है तो उसमें क्या है, वो चटनी हरी कलर की थी तो उसमें पुदीना डलता है और थोड़ा सा नींबू भी डलता है, कैरी डलती है, टमाटर भी डलते हैं, मतलब खट्टी खट्टी कैरी थी। वो कह रहे थे कि भाई इस प्रकार की जो कैरी होती है, इस प्रकार की जो चटनी होती है वो थोड़ी बहुत लू वगैरह से इनसे बचाती है और प्याज वगैरह भी उसमें डलता है, फिर थोड़ी लाल मिर्च डाल दो आप और हरी मिर्च, पता नहीं जो भी नमक वगैरह है, मतलब इतनी अल्टीमेट थी कि दो बार चटनी ली है हमने, गजब की चटनी थी। ठीक है भाई, मैंगो तो था। क्या था? मैंगो, हाँ आम था, सलाद था, वो तो होता ही है, गजब ही है, बढ़िया खाना। तो देखो यहाँ से केवल अपन को कुछ बातें हैं जो सीखनी है, समझनी है। एग्जाम इजी नहीं था, एग्जाम टफ था और कोई भी टफ कंपटीशन अगर अपन करते हैं और तो उसमें उसको फाइट करने में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है आदमी को। और अगर ये कॉन्फिडेंस सही तरीके से आता है और सही तरीके से स्टूडेंट के अंदर रहता है तो बहुत सारी चीज़ें ड्यूएबल लगने लगती हैं और वो आसानी से उस गोल को अचीव कर जाता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी और वैकेंसी आ रही है 51 की, 51 पोस्ट आएगी अपनी और लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास ये वैकेंसी आने के लिए बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम करवा देंगे। जिस हिसाब से ये फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम होती हुई लग रही है उसी प्रकार से, तो अपन को लेफ्ट लेना है, राइट लेना है या सीधे चलना है? सीधे, बिल्कुल सीधा चलना है। ओके सर, ये वो आ गया ततारपुर चौराया, हाँ यार वो ट्रक यहीं मिला था ना। ठीक है साहब, तो एक्चुअल में अपने पास अभी भी वैकेंसीज है, अगर कोई बच्चा इस वैकेंसी में रह गया है तो वो जी जान से और ढंग से तैयारी करे तो उसका सिलेक्शन जरूर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, तो अभी अपन और बात करेंगे आगे, आपसे रुकेंगे कहीं पे। तो अपन यहाँ पे आ गए हैं हाईवे किंग क्लियर, ये अपने इस हाईवे के उस साइड है और एक जो है हाईवे किंग इधर है, ये पूरा का पूरा। यहाँ पे अभी हमने आइसक्रीम खाई है, मजा आया, बड़ी टेस्ट थी, ब्लैक फॉरेस्ट। ये कौन सी रोड है? ये नेशनल हाईवे नंबर 8 है, 8 तो है लेकिन वो कौन सा? पावटा पड़ गया कि ये तो नील का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जोनी की शादी में भी आए थे यहाँ पे, यहाँ रुके गए थे हम, नहीं जोनी वाली शादी में तो वहाँ रुके थे। चलो भाई जयपुर चलते हैं, जयपुर ही मिलते हैं हम, गर्मी ज्यादा हो रही है। हाँ बहुत। फाइनली जयपुर पहुंच गए हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं और उनकी सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना गलत होता है। वो जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं उनकी अच्छाइयां या उनके स्पेशल करेक्टर को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी को आगे क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं और जिस भी एग्जाम में वो हाथ डालते हैं वो एग्जाम क्रैक करते हैं। मैं ऐसे ही एक स्टूडेंट से आज मिल गया हूं, आपने देखा कंचन गुप्ता, और खास बात क्या है,
एमएससी एंट्रेंस में पहली रैंक राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसके बाद सीएसआईआर नेट निकाली है बाकायदा, जीआर की है, उसके बाद बीएड में एडमिशन लिया है और बीएड के ड्यूरेशन में ही आरपीएससी की जो फर्स्ट ईयर की एग्जाम लगी थी 2018 वाली उसको भी क्रैक किया है। ये तो बीएड कंप्लीट नहीं थी, नहीं फर्स्ट ग्रेड में ऑलरेडी ये अभी कार्यरत रहती, ठीक है। उसके बाद एमपेट का एग्जाम दिया पहली रैंक से, वो क्रैक किया। रीट का एग्जाम दिया था, लगभग 137 के आसपास मार्क्स इसके आ रहे थे, तो उसमें भी हो जाता, ठीक है। और इधर आरपीएससी को ले इलेक्ट्रिसिप का एग्जाम दिया है जो क्रैक किया है रैंक 1 के साथ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, समझ में ही। तो इस पूरे आज जो सर्कमटेंसेज हुए, वहां जाके आया, बात करके आया और फिर आपसे बात कर रहा हूं, इसमें एक चीज निकल के आती है कि आप कितने इंसानों से मिलते हो, उन इंसानों से जब आप मिलो तो उनमें से अच्छाइयों को आप निकालो, उनके कोई स्पेसिफिक जो करेक्टर हैं उनको निकालो आप और वो अडॉप्ट करो, आपका भी सिलेक्शन हर एग्जाम में होगा और आप भी गॉड गिफ्टेड बन जाओ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं।